हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पीछे से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है क्योंकि घर बन रहे हैं, तो इसका कुछ नहीं कर सकती मैं। तो आज का वीडियो में मैं आप सभी से बताने वाली हूँ कि हेयर ऑयल जो हम हेयर ग्रोथ के लिए ऑयलिंग करते हैं, तो वो ऑयल जो साधारण सा ऑयल होता है, नारियल तेल या सरसों तेल जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बना सकते हैं। अब चूँकि अभी आप लोग खुद मेरे हेयर ग्रोथ को महसूस कर पा रहे होंगे, कुछ दिनों से मैं हेयर पे काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप मेरे हेयर का फ़र्क देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो शोल्डर पे थे कहाँ और अभी इतने ग्रोथ हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मेरा, आप हेयर कट ब्लॉग में देख लेना, आप वहाँ पे मेरे इतने शॉर्ट हेयर थे। तो अभी मैं हेयर ग्रोथ के ऊपर लगी हुई हूँ और आज से मैं अपना जो हेयर ग्रोथ चैलेंज है 1 मंथ का ले रही हूँ, और आप सभी उससे शेयर करूँगी कि इन 1 महीनों में मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी। तो आज है 12 अगस्त और नेक्स्ट मंथ यानी कि 12 सितंबर को आपको हेयर ग्रोथ चैलेंज जो है मेरा 1 मंथ का, ये आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगा और मेरे बालों में क्या फ़र्क आया है वो भी उससे मैं आपको विजिबल रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी तो आपने मेरे हेयर ग्रोथ देख ही लिया है कि कितना है और क्या क्या दिक्कतें थी। मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में शो कर दिया है, बता दिया है कि क्या क्या मेरे बालों में प्रॉब्लम थी। अब आपको 1 महीने बाद मैं अपना एग्जैक्ट हेयर ग्रोथ दिखाऊँगी कि कितना है, और इसके बीच में जो जो मैं हेयर को इम्प्रूव करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए चीज़ें अप्लाई करूँगी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर कर देना, पूरा ज़रूर देखा करो वीडियो को, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं वीडियोज़ में क्या आगे बता रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, पता नहीं चलेगा आप लोग। और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो ऑफकोर्स मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि मुझे भी खुशी और मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मेरे वीडियोस देख कर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, और वीडियोस को लाइक भी किया करो, क्योंकि एक एक लाइक आप लोगों का हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट आप लोग कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगी आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। कहते बोल दूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो ना यार, पहली बार आया तो बिल्कुल कर लो, और बेल बटन जरूर दबा लेना ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हो, अपकमिंग वीडियो हो, वो आपको देखने को मिले। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो शेयर करो ताकि हमारा भी चैनल का नाम हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है नारियल का तेल, ये पैरासूट का नारियल का तेल है, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ अपनी बालों के लेंथ के हिसाब से ये तेल ले रही हूँ। आपके बाल अगर ज़्यादा लंबे हो तो उस हिसाब से आप तेल को लेना। और इसके बाद मैं इसमें कैस्टर ऑयल लूँगी, कैस्टर ऑयल भी मैं 1 चम्मच ही लूँगी, और इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी चाहिए, इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी। तो कैस्टर ऑयल इसमें 1 चम्मच मैंने मिला लिया है और इसको अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि ये दोनों मिल जाए। कैस्टर ऑयल एक्चुअली बहुत थिक होता है, इसलिए उसको किसी दूसरे हल्के ऑयल के साथ लेना पड़ता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और डबल बॉयलर की प्रोसेस से इसको गर्म करेंगे। और इसमें हमने नारियल तेल लिया है क्योंकि नारियल तेल मेरे बालों को काफ़ी अच्छा नरिश करता है, और वो नारियल तेल बालों को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैस्टर ऑयल भी हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें हमने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि हम बाद में इसमें डालेंगे, आप आगे देखने वाले हो। विटामिन ई के कैप्सूल से हमारा जो स्कैल्प है वो काफ़ी हेल्दी होता है, हमारे हेयर हेल्दी होते हैं, प्लस हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो 4 गुना तेज़ी से बढ़ता है। ओवरऑल इस, ये जो ऑयल मैंने बनाया है, ये इस ऑयल की मदद से आपके जो हेयर है वो काफ़ी जल्दी बढ़ेंगे, हेयर टेक्स्चर भी इम्प्रूव होगा। तो अभी मैंने डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको गर्म कर लिया है, मैं उतना ही गर्म करूँगी जितना मुझे चाहिए, एक्सेस गर्म नहीं करना है, मेरे स्कैल्प को जितना मैं गर्मी बर्दाश्त हो उतना ही गर्म करना है।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने विटामिन ई के कैप्सूल को एक डाला है। आपका लेंथ अगर बहुत बड़ा है तो आप दो डालिए और इसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए। तो देखा आपने कितना इजी है एक साधारण सा ऑयल को एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बनाना हमारे बालों के लिए, जिससे हमारी हेयर की लेंथ अच्छी हो, हमारे बालों का टेक्सचर अच्छा हो, हमारे बाल खूबसूरत दिखे। और अगर मेरे बाल जैसे कर्ली हेयर है आपके तो थोड़े थोड़े स्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो छोटी छोटी टिप्स ऐसे ही आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। इन एक महीनों में मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने हेयर ग्रोथ के लिए, और 12 सितंबर के बाद मैं दिखाऊंगी मेरा एग्जैक्ट हेयर ग्रोथ क्या हुआ है। तो आज से मैं एक महीने का हेयर ग्रोथ चैलेंज लेती हूँ, आप भी लीजिए। आप भी बताइए कि आप लोगों का हेयर का टेक्सचर कैसा हुआ, कितनी लेंथ हुई है, सब कुछ बताइएगा। तो आप और हम एक साथ मिल के हेयर ग्रोथ चैलेंज लेते हैं 1 मंथ का। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ तक देख लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देखे हैं पूरा देखना, प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल पाए। ये रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।